गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, मैं भोला सिंह, बायो टीचर, GDND SNIC करबी चित्रकूट। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैसे इसके पहले चैप्टरों में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। अलग अलग जानकारी आप लोगों को पहले चैप्टरों में बताई गई है कि जीवों के लक्षण क्या हैं, फिर उसमें पौधों के लक्षण क्या हैं, जंतुओं के लक्षण क्या हैं, ये बताया जा चुका है। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा, जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम वाल्टर जी रोशन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। अब है क्या बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता, कोई भी परिवेश है, उस परिवेश में पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये निवास करते हैं, लेकिन उस परिवेश में इन सभी घटकों में आपस में क्या है, अंतर है, एक दूसरे से भिन्न है। तो उस परिवेश में ये सहयोग की भावना से जीवन यापन करते हैं, और उस सहयोग से बना हुआ जो एक सिस्टम है उसको जैव विविधता कहते हैं, जीवों में विविधता, अंतर। दूसरी सेकेंड नंबर पे बात आती है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जनरली ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको तीन समूहों में बांटा गया। पहली जो जैव विविधता थी वो जेनेटिक विविधता। दूसरी नंबर पर थी स्पेसीज, जातीय विविधता। तीसरे नंबर पर थी इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो बायोडाइवर्सिटी जो है तीन प्रकार की, जैव विविधता जो उत्पन्न होती है तीन तरह से, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम, जिसमें से जेनेटिक का मतलब जीन से है, मतलब ऐसी विविधता जो जीन में चेंजिंग के कारण उत्पन्न होती है उसको जेनेटिक विविधता कहा जाता है। अब जीन में चेंज, पेड़ पौधों के जीन अलग होंगे, जंतुओं के जीन अलग होंगे, सूक्ष्म जीवों के जीन अलग होंगे, तो ये जो विविधता उत्पन्न हुई वो क्या है, जेनेटिक है। सेकेंड नंबर पर स्पेसी, जाति विविधता। जाति एक है लेकिन उसमें जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। तो जातियों के आधार पर जो विविधता उत्पन्न हुई उसको जाति विविधता कहा गया। तीसरा जो है इकोसिस्टम, पारितंत्र। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, मान लीजिए घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जितने भी घटक पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधों से मान लीजिए स्टार्ट हुई, वो पेड़ पौधे, उसके बाद इसमें टिड्डा हो गया, मेंढक हो गया, मेंढक के बाद सर्प के बाद बाज हो गया, लास्ट में इसमें मान लीजिए शेर आ गया, ठीक। तो इसमें जितने भी ये घटक पाए जा रहे हैं ये सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो ये जो विविधता उत्पन्न हो रही है उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाएगा। तो ये थ्री टाइप्स की डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद इसमें आता है सिग्निफिकेंस
उपयोगिता, इसका क्या महत्व है? जो जैव विविधता पाई जा रही है, क्या ये हमारे लिए आवश्यक है या हानिकारक है? तो अगर जैव विविधता नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं है। तो ये इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी जैव विविधता की? पहला इसका हो गया एजुकेशनल, एजुकेशन शिक्षा। सेकेंड नंबर पर लाइफ, जीवन। तो इसमें जो है इसके महत्व के बारे में अगर कि ये हमें आवश्यक क्यों है उसके बारे में अगर जानकारी हासिल करें तो हमको सबसे पहले शिक्षा के लिए आवश्यक है जैव विविधता। शिक्षा के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारी शैक्षणिक सिस्टम है उसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी लेना है, पौधों के बारे में भी जानकारी लेना है, सूक्ष्म जीवों के बारे में भी जानकारी लेना है, तो उसके लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। उसके बाद लाइफ, जीवन। कोई भी सिंगल जो जैविक हैं वो सिंगल रूप में जीवित नहीं रह सकते, उनको किसी न किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे सूक्ष्म जीव। ठीक, तो उसके लिए विविधता आवश्यक है। फिर मेडिसिनल, मेडिसिनल मतलब औषधि, औषधि। जितनी भी औषधियां हैं वो या तो पेड़ पौधों से प्राप्त की गई होंगी या जंतुओं से प्राप्त की गई होंगी या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की गई होंगी। तो अगर ये विविधता ना हो, अलग अलग ये ना हो, तो हमें औषधियों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए औषधियों के लिए भी हमारी जो है महत्ता बायोडायवर्सिटी पर ही निर्भर करती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर पर एस्थेटिक, सौंदर्य, सजावट। प्रकृति जो है सौंदर्य की माँ है। प्रकृति क्या है? सौंदर्य की माँ है। अब उस प्रकृति में जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? पेड़ पौधे, जंतु, इनके कारण उत्पन्न हो रहा है। अगर ये जैव विविधता नहीं होगी तो ये सौंदर्य भी उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब जो प्रकृति है उसमें जो स्थायित्वपन है, जो स्थायी है वो किसके कारण है? जैव विविधता के कारण। अगर जैव विविधता नष्ट हो गई, मान लीजिए इसमें से जंतु नष्ट हो गए या पौधे ही नष्ट हो गए, तो जो इसका स्थायित्वपन है पर्यावरण का वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैव विविधता आवश्यक है एजुकेशन के क्षेत्र में, लाइफ के क्षेत्र में, मेडिसिनल क्षेत्र में, एस्थेटिक क्षेत्र में और स्थायित्व के क्षेत्र में विविधता की आवश्यकता है। सिग्निफिकेंस हो गया। उसके बाद आ जाता है इसमें जो नष्ट होने का कारण है, जो जैव विविधता है धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है? अगर ये नष्ट हो गई तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, causes of biodiversity loss, नष्ट होने के कारण, जैव विविधता नष्ट के कारण, जैव विविधता नष्ट होने के कारण क्या कारण, क्यों नष्ट हो? ठीक, अब इसका मेन कारण क्या है जिससे जैव विविधता दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, नष्ट हो रही है? पहला इसका कारण है इंडस्ट्रियल क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र,
औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब ये है कि जितने भी इंडस्ट्री लगाई जाती हैं वो जंगलों को साफ करके वहाँ के पेड़ पौधों को काट करके बनाई जाती है, जिससे जैव विविधता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। दूसरा नंबर जनसंख्या पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो उस जनसंख्या के लिए घर बनाने के लिए जगह चाहिए, ठीक। तो घर बनाने के लिए जगह चाहिए जब, तो वो पेड़ों को काटता है, जंगलों को साफ करता है, वहाँ पर घर बनाता है। उसके साथ साथ उसको लकड़ी चाहिए भोजन बनाने के लिए, उससे पेड़ पौधों को नष्ट करता है, आवास बनाता है, तो उससे भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है, नष्ट हो रही है। उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रदूषण नहीं पॉल्यूशन, पॉपुलेशन हो गया पॉल्यूशन, प्रदूषण। दिन प्रतिदिन जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं इनके द्वारा काफ़ी प्रदूषण बढ़ रहा है, धुआं वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल प्रदूषित होता है, तो वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ने के कारण इसका सीधा इफेक्ट जंतुओं पर भी और पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो उससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं और जंतु भी नष्ट होते हैं, जिससे जैव विविधता नष्ट होने लगती है। फिर उसका कारण है चौथा हंटिंग, शिकार। कुछ जो व्यक्ति हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं, चाहे वो मांस के लिए हो, चाहे उनकी चमड़ी के लिए हो, चाहे उनके अन्य पार्ट्स के लिए, सींग हो गया, खुर हो गया, उसके लिए वो जंतुओं का शिकार करते हैं, जंतुओं को मारते हैं। तो शिकार करने से उस प्रजाति की कमी होती है, जिससे जैव विविधता नष्ट होने लगती है, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं कारण जैव विविधता नष्ट होने के, क्यों नष्ट हो रही है, एक तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के कारण, जनसंख्या के कारण, प्रदूषण के कारण और शिकार के कारण ये नष्ट हो रही है, ये जैव विविधता नष्ट होने के कारण हो गए। उसके बाद आ जाता है इसमें हॉट स्पॉट, तप्त स्थल, हॉट स्पॉट तप्त स्थल। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अपने भारतवर्ष में दो हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, हिमालय दो जगह जो जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है इसमें हॉट स्पॉट के बाद कंजर्वेशन, मतलब ये जो नष्ट हो रही है इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए, कंजर्वेशन। संरक्षण जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, अगर ये लगातार इसी तरह नष्ट होती रही तो एक दिन जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। इसके लिए संरक्षण इसका कैसे किया जाए, उसके संरक्षण की दो विधियां हैं, इंसिटू कंजर्वेशन एक्सिटू कंजर्वेशन। इसको स्वस्थानीय संरक्षण, इसको बहिस्थानीय संरक्षण। इंसिटू कंजर्वेशन स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब ये हुआ कि इस संरक्षण के द्वारा हम जीवों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दें, यानी कि सजीवों के प्राकृतिक आवास में संरक्षण करने की विधि इंसिटू कंजर्वेशन कहलाता है।
अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं स्वायस्थाने में, जैसे आ गया राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको कहा जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क जो है इसमें पौधे और जंतु दोनों को ही उस प्राकृतिक एरिया में, जिस एरिया में ये पाए जा रहे हैं, उनको संरक्षित कर दिया जाता है और व्यक्तियों के हस्तक्षेप से उनको दूर रखा जाता है, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क। जैसे दुधवा नेशनल पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया, तो ये सब जिम कार्बेट जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अभयारण्य, अभयारण्य का मतलब होता है ऐसे स्थान पर जंतुओं को संरक्षित किया जाए जिस स्थान पर वो बिना भय के आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, अभयारण्य कहलाता है। उसके बाद जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं ऐसे क्षेत्र होते हैं ये जहाँ पर पूरे क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है और उसको चार जोनों में बांट दिया जाता है। चार जोन का मतलब सबसे बाहरी जो जोन होता है उसमें मनुष्यों के आने जाने की अनुमति होती है लेकिन उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा जोन कर दिया जाता है जहाँ पर केवल शैक्षणिक या अनुसंधान वाले व्यक्ति भी जा सकते हैं। तीसरा जो क्षेत्र हो जाता है वो केवल वहाँ के अधिकारी और अपनी स्पेशल गाड़ियों के द्वारा ही अब सुरक्षित होकर के जा सकते हैं। चौथा जो इसका सबसे खतरनाक जोन होता है जिसको कोर जोन कहते हैं, कोर जोन कहते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें ये जो क्षेत्र होता है जंगली जानवरों का क्षेत्र होता है, इसमें भयावह जानवर पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। तो ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद आ जाता है एक सीटू कंजर्वेशन बहिस्थान संरक्षण, इसमें आ गया जंतु पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान। उसके बाद हो गया जीन बैंक, तो एक सीटू कंजर्वेशन का मतलब बहिस्थानीय संरक्षण, मतलब इसमें जो संरक्षण किया जाएगा वो उनके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर, प्राकृतिक आवास से दूर ले जा करके उनको संरक्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत जंतु पार्क, वनस्पति उद्यान और जीन बैंक। जंतु पार्क का मतलब यह है कि जैसे देखे होंगे चिड़ियाघर, वहाँ पर जो जंतु हैं अलग अलग प्रकार के जंतु उनको दूसरी जगह से ले करके वहाँ पर संरक्षित किया जाता है, तो वो क्या हुआ बहिस्थानीय संरक्षण हुआ। फिर वनस्पतिक उद्यान, जो नर्सरियाँ होती हैं यहाँ पर केवल वनस्पति मतलब पेड़ पौधे को ही उगाया जाता है, तो दूसरी जगह से लेकर के एक निश्चित क्षेत्र में उसको संरक्षित करके उसके लिए वनस्पति उद्यान तैयार किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जीन बैंक। जीन बैंक का मतलब ये हुआ कि किसी भी पौधे का हो चाहे जंतु का जीन बाहर से लेकर के दूसरी जगह पर स्थापित करना वो जीन बैंक कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया बहिस्थानीय संरक्षण कंजर्वेशन हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय प्रयास क्या है, ये तो हो गया राष्ट्रीय प्रयास, फिर क्या है उसको संरक्षित करने के, संरक्षण के जो राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास इसके लिए क्या किया गया, एक संस्था तैयार की गई IUCN, एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये संस्था है। इसके अंतर्गत रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक इसको कहा जाता है। इस पुस्तक में ऐसी प्रजातियों को रखा गया
जो या तो समाप्त हो चुकी हैं या समाप्ति की कगार पर हैं या समाप्त होने वाली हैं, उन प्रजातियों को इसके अंतर्गत संरक्षित किया गया जो भविष्य में अध्ययन के लिए या जानकारी के लिए सुरक्षित रह सके। रेड डाटा बुक हो गई। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है एक चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट। चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में सुंदरलाल बगुड़ा सीएम थे, उनकी अध्यक्षता में चालू किया गया था। उस समय पेड़ों को काटने के लिए एक ठेका दिया गया था, ठेकेदार उन पेड़ों को काट रहे थे, तो उनको काटने से बचाने के लिए वहाँ की जो महिलाएं थीं सुंदरलाल बहुड़ा की अध्यक्षता में एक संगठन तैयार किया। उस संगठन में वो जा करके पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों से जा करके चिपक जाती थी, जिससे पेड़ों को काटने से उन्होंने रोका, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है एपिको मूवमेंट, ये भी उसी से संबंधित एक आंदोलन था। आंदोलन में एक बिश्नोई परिवार, ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, तो ये जो बिश्नोई परिवार की महिलाएं थी, इन्होंने एक समूह बनाया। उस समूह में गांव में जा जा करके लोगों को जागरूक किया, पेड़ों के जंतुओं के महत्व के बारे में बताया, उससे हानि के बारे में बताया और एक आंदोलन तैयार किया बृहद रूप से, जिससे पेड़ों को काटने से और जंतुओं को नष्ट करने से बचाया जा सका। वो कहलाया इसका एपिको मूवमेंट। तो ये मनुष्यों द्वारा चालू किए गए प्रयास थे और ये क्या थे, राष्ट्रीय प्रयास थे। राष्ट्रीय प्रयास में क्या हुआ, इसी में एक WWF, इसकी स्थापना की गई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना की गई, इसके उद्देश्य निश्चित किए गए। इसके उद्देश्य के अंतर्गत जंतुओं को नष्ट होने से बचाना, उनके आवास को सुरक्षित करना, या अगर जंतुओं पर कोई शिकार कर रहा है उनको सजा दिलवाना, इस फंड का मुख्य उद्देश्य था। विश्व वन्य जीव कोष और उसके संरक्षण के लिए फंड तैयार करना, कितना खर्च आएगा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी थी, WWF की थी, विश्व वन्य जीव कोष। उसके बाद इसमें आ जाता है कि इसका जो संरक्षण है किया गया, राष्ट्रीय प्रयास किए गए, ठीक, मानव के प्रयास किए गए, इसका संरक्षण हो गया। लास्ट में इसमें आ जाती है जो जैव विविधता है उसका मानव जीवन में क्या महत्व है, मानव जीवन में क्या महत्व है। तो मानव जीवन में सीधा सा महत्व समझ लीजिए कि अगर जैव विविधता नहीं होगी तो ना तो भोजन मिल पाएगा, ना ही आवास मिल पाएगा, ठीक, और ना ही औषधियाँ प्राप्त हो पाएंगे, यानी कि तीनों सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। और जब ये तीनों चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जैव विविधता के नष्ट होने के कारण, तो मानव जीवन समाप्ति के कगार पर चला जाएगा, ठीक। तो आज हम इस चैप्टर में ओवरऑल जैव विविधता के बारे में पढ़ चुके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद कितने प्रकार की होती है बायोडाइवर्सिटी, दो प्रकार की, वो तीन प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसका, महत्व, इसके बारे में जान गए, शिक्षा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, स्थायित्व के क्षेत्र में, ठीक, इसके बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, जैव विविधता नष्ट होने के कारण क्या है। तो जैव विविधता जो नष्ट होने के कारण है, इंडस्ट्रियल जो है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, ठीक, ये इसके कारण हो गए। उसके बाद आ जाता है हॉट स्पॉट, मतलब जहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, हॉट स्पॉट, वो क्षेत्र हमको मालूम चल गए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय। उसके बाद इसमें लास्ट में हमने पढ़ा है कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता नष्ट होने का संरक्षण कैसे किया जाए, तो उसकी दो विधियों के बारे में हमने जान लिया,
इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको संरक्षित किया गया, और एक सीटू का मतलब उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जा करके उसको संरक्षित किया गया। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने जान लिया। राष्ट्रीय उद्यान मतलब उसमें पेड़ पौधे और जंतु दोनों को संरक्षित किया जाता है। अभयारण्य, इसमें केवल जंतुओं को संरक्षित किया जाता है और उनको बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से जीने के लिए रखा जाता है। उसके बाद एक सीटू कंजर्वेशन हो गया। एक सीटू में मान लीजिए जंतु पार्क हो गए, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से ला करके एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है। उसके बाद हमने रेड डाटा बुक के बारे में जानकारी हासिल किया, IUCN संस्था के बारे में जान लिया, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। उसके बाद इसमें हमने जो मानव के द्वारा जो प्रयास किए गए, चिपको आंदोलन चालू किया गया, एपिको आंदोलन चालू किया गया, उसके बारे में हमने जानकारी कर लिया। तो जिसमें चिपको आंदोलन एक जिज्ञासु प्रवृत्ति, मनुष्य की एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हुआ यह आंदोलन है, जो उत्तराखंड में उस समय CM थे मुख्यमंत्री सुंदरलाल बहुगुणा। तो उनकी अध्यक्षता में जब महिलाओं को ये मालूम चला कि यहाँ पर पेड़ों को काटने का ठेका हो गया है, तो उन्होंने एक जागरूकता फैलाई और एक समूह बनाया, और उस समूह को बना करके जा करके जहाँ पेड़ों की कटान हो रही थी तो वहाँ पर पेड़ों से चिपक गई, जिससे पेड़ों को काटने से रोका जा सका। उसके बाद इसमें एपिको आंदोलन आ गया। एपिको आंदोलन भी इसी प्रकार संगठन है, इसमें जो है जागरूकता फैलाई गई गांव-गांव में जा करके कि पेड़ों को नहीं काटना है, इनका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक चैप्टर में इतने पॉइंटों के बारे में हमने अध्ययन किया, बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हॉट स्पॉट और कंजर्वेशन। अब लास्ट में असाइनमेंट के रूप में मान लीजिए क्वेश्चन दिए जाए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये आप लिख सकेंगे, या दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है तो उसके टाइप्स के बारे में लिख सकेंगे, या पूछा गया कि उसका जो है कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा तो उसकी विधियों के बारे में लिख सकेंगे, एक सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, या पूछ लिया गया कि किन्हीं दो हॉट स्पॉट के बारे में बताइए तो हॉट स्पॉट के बारे में भी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, ये हो गया। ठीक, ऑल थैंक्स।